हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आपको सब कुछ एकदम फ्री में दिया जाता है इधर, ठीक है। इस चैनल में आपको हर क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सॉल्व कराया जाता है बहुत ही इजी तरीके से। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.5 और क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 17 देखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। क्या डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इन थ्री वेज मेंशन बिलो। हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, नीचे दिया गया ना, बाय यूजिंग प्रोडक्ट टूल। सबसे पहले प्रोडक्ट टूल में इसको सॉल्व करके दिखाना है, फिर क्या करना है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ पॉलीनोमियल, ठीक है। फिर हम लोग क्या करना है, पहले प्रोडक्ट में तोड़ना है, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर तीसरे में क्या कर रहा है, बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर लॉग के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या कहता है, डू दे ऑल गिव द सेम आंसर, और उसका पूछ रहा हम लोग से कि जितना भी हम लोग आंसर निकालेंगे वो क्या सेम होगा, ये पूछ रहा। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। एफ एक्स हम लोग को कितना दिया, सबसे पहले इसको हम लोग वाई मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते वाई मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, फिर एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में तोड़ना है। क्या किसमें, प्रोडक्ट रूल में, प्रोडक्ट रूल हम लोग जानते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल में कैसे तोड़ेंगे, इसको क्या हो जाएगा, डिफरेंस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले इसको बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इसको बाहर निकाले, इसका डिफरेंशिएट कर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा हम लोग का, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 7। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। जो बच्चे मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा इसको कैसे तोड़ना और कैसे करना है। जो नए बच्चे आते हैं उनको थोड़ा पता नहीं रहता है, ठीक है, कैसे सर हो गया, कि बहुत से बच्चों को पता नहीं रहता ना, सर आपने कैसे कर दिया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। जो लगातार वीडियोस को देखते हैं उनको सब कुछ क्या होगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कैसे करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर क्या है माइनस है तो माइनस 5x का डिफ्रेंशिएट 5, यही होगा 5x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाय dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का 3x के पावर 4 हो, 3x के पावर 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हम लोग का, फिर क्या हो जाएगा हम लोग का, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है, एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे ऐसा लगा कुछ गड़बड़ होगा लेकिन नहीं है, चलिए ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 15x का क्यूब हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा हम लोग का, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का 24x स्क्वायर, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस, यहाँ पे 7x स्क्वायर, फिर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कैसे होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस ना 35x, फिर कितना हो जाएगा 7 8 56, ठीक है। कोई मल्टीप्लाई में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, आप इस तरीके से भी कर सकते। देखिए मैंने ऐसे किया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर 7 को इससे, फिर 7 को इससे, फिर 7 को इससे। ये सब छोटी छोटी चीज है, बहुत से बच्चों को आता नहीं है, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट को आता नहीं है, मुझे पता है, छोटे छोटे चीज को सीखना है। अब यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x के पावर 4 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x हो जाएगा, फिर देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस 5 को x क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई, देखिए प्लस इंटू माइनस, पहले माइनस आ जाएगा, फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई 35x आ जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं dy बाय dx क्या होगा, देखिए
थ्री एक्स से पावर फोर, थ्री एक्स से पावर फोर और कहीं पे है थ्री एक्स से पावर फोर, देखिए टू एक्स से पावर फोर एड हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइव एक्स के पावर फोर, फाइव एक्स के पावर फोर। आप थ्री वाला देखेंगे, देखिए फिफ्टीन एक्स के पावर क्यूब है और ये रहा ना माइनस, देखिए माइनस माइनस रहता तो क्या करते हैं, माइनस माइनस रहता तो माइनस लिख के ऐड कर देते हैं, माइनस लिख के ऐड कर देंगे तो ट्वेंटी एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्क्वायर वाला कितना है, ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर और सेवन एक्स स्क्वायर और क्या है फोर्टीन एक्स स्क्वायर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का थर्टी एट हो जाएगा। थर्टी एट में प्लस फाइव सेवन कर देंगे, थर्टी एट में सेवन कर देंगे कितना हो जाएगा हम लोग का फोर्टी, फोर्टी फाइव हो जाएगा, फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस वाला देखेंगे, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है थर्टी फाइव एक्स है और यहाँ पे भी थर्टी फाइव एक्स है, कितना हो जाएगा हम लोग का सेवेंटी हो जाएगा और कहीं पे है, और कहीं पे हम लोग का ये देखिए एट्टीन है, सेवेंटी में, सेवेंटी में हम लोग एट्टीन एट्टीन माइनस करेंगे कितना बचेगा, देखिए एक इसको दिया टेन में एट टू, यहाँ पे सिक्स में वन फाइव फिफ्टी टू, तो कितना आ जाएगा माइनस फिफ्टी टू एक्स। माइनस फिफ्टी टू क्यों आया सर, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ना, देखिए ये माइनस में है ये भी माइनस में ना, कितना था माइनस माइनस तो माइनस लेके ऐड कर देते हैं ना, इस तरीके से होगा ये सेवेंटी माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का ये प्लस है ना, ये प्लस है कितना है एट्टीन, इस तरीके से आएगा। तो माइनस प्लस माइनस करेंगे तो फिफ्टी टू आ जाएगा, फिफ्टी टू आ जाएगा, ऐसे सब आप ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है, फिफ्टी टू आ जाएगा, बड़ा कौन है सेवेंटी, और सेवेंटी के पहले माइनस आए इसलिए मैंने इसको आपको इस तरीके से बताया, इसलिए माइनस आया। अब हम लोग का क्या होगा, 56 है और ये कितना है 45 है, 56 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा चलिए देखते हैं, वन सिक्स में फाइव वन और फाइव में फोर वन, बड़ा कौन है 56 है, 56 के प्लस प्लस तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो हम लोग का फाइनल आंसर ये हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन को भी मिटाऊंगा क्योंकि हम लोग का बोर्ड थोड़ा छोटा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबको मिटा देंगे, आपके पास बुक होगा आप क्वेश्चन बुक में से देखेंगे, मुझे पता है बहुत से झोला टंगो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास बुक पेन कुछ नहीं होता है, हम लोग भी पढ़ते थे तो बहुत से स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं रहता था, बुक नहीं लाते थे, पेन नहीं रहता था, पेन भी नहीं लाते थे, मांगने चले जाते थे किसी और के पास, तो आप लोग कम से कम बुक ले लीजिए ठीक है, एक बुक ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, बुक बहुत जरूरी है बुक रहना। अभी मैं क्वेश्चन को भी मिटाऊंगा, हम लोग का सेकंड क्या है, क्वेश्चन क्या करा है बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ पॉलीनोमियल, तो हम लोग क्या करेंगे पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए हम लोग क्या किस में गए सेकेंड नंबर पे ना, तो सेकेंड नंबर वाई इक्वल टू हम लोग ले लेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अभी क्या करना पड़ेगा पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा वाई इक्वल टू एक्स को देखिए एक्स से पावर टू यहाँ पे एक्स से पावर थ्री मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स के पावर फाइव। बहुत से स्टूडेंट वहां से बोल रहे होंगे सर एक्स पावर सिक्स होगा, एक्स पावर सिक्स होगा, तो मैंने कुछ बता देता हूँ एक्स के पावर टू इंटू एक्स के पावर थ्री क्या होगा, क्या होगा बहुत से स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर एक्स के पावर सिक्स होगा, मुझे पता है आप लोग बोल रहे होंगे, मैं बताऊंगा कैसे होगा। देखिए बेस समान बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं, पावर को ऐड करते कितना आ गया फाइव आ गया, याद रखिएगा ठीक है। नीचे क्लास का ये सब एट का एट क्लास का नाइन्थ क्लास का टेंथ क्लास का ये सब आपको पता रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल चैप्टर ना क्लास सेवन से ठीक है, क्लास सेवन से एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सेवन एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर को नाइन नाइन से करेंगे तो नाइन एक्स स्क्वायर। अब माइनस इंटू प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का फाइव एक्स के पावर फोर हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस फाइव
5x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को x क्यूब से, 8x क्यूब, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, फिर क्या होगा देखिए, 8 को 7 से करेंगे तो 56x, फिर 8 को 9 से तो 72। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, चलिए बताएं मुझे फटाफट, 5x के पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 21x स्क्वायर, ये इतना तब आपका आ गया होगा ना कि नहीं आ रहा है, हाँ बहुत से स्टूडेंट को ये भी नहीं पता चल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा सामने आ जाएगा, 9 टू 18 हो जाएगा और इसके पावर में 1 माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, इसका डिफरेंशिएट माइनस 20x के पावर 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 70x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 प्लस 83 सामने आएगा तो 24 और x के पावर कितना जो एक कम हो जाएगा 2, यहाँ पे 56 आ जाएगा और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 72 का, कमेंट करके मुझे बताएंगे 72 का डिफरेंशिएट कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, अब क्या होगा देखेंगे, dy by dx क्या हो जाएगा देखें, 5x के पावर 4, अब 3 वाला को देखेंगे जिसका पावर 3 है 20x क्यूब, अब यहाँ पे पावर 2 वाला को देखेंगे कितना है, देखिए 21x स्क्वायर और ये कितना है 24x स्क्वायर, कितना हो जाएगा ऐड करने पे प्लस 45x स्क्वायर, फिर xx वाला को देखेंगे, देखिए 70x से 18x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, देखिए 10 में 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का, और 10 में 2 फिर 6 में 1 5, बड़ा कौन है 70, इसके पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए 56 और 45 है, प्लस 56 माइनस 45 कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे प्लस 11, क्या हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 1 था, जो हम लोगों ने 1 सॉल्व किया था उसका भी आंसर यही था, चलिए मिला के देखिए, मैं भी मिला लेता हूँ एक बार, आंसर एकदम सही है। अब अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को लॉग लेके सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं, जिनके पास बुक नहीं है आप सबसे पहले बुक ले लेंगे आज, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के पास बुक रहता नहीं, मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट के पास बुक नहीं रहता है। चलिए इसका आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, मैं इसको मिटा दूंगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का 3 नंबर देखेंगे, हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, लॉग लेके सॉल्व करना है। तो जितने बच्चे सब वीडियो देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग, और अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग को क्या लेना था, लॉग लेके सॉल्व करना था ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बुक ले लेंगे ना, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, चलिए लॉग ले लेंगे तो क्या होगा, लॉग y इक्वल टू यहां पे भी लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, क्या हो जाएगा यहां पे लॉग y इक्वल टू लॉग x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस लॉग x क्यूब प्लस 7x प्लस 9,
क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा, वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टू एक्स माइनस फाइव प्लस, अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन में एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन। एक काम करता हूं मैं वन को मिटा के इसको यहीं पे लिख देता ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे यही चीज मिल जाएगा ना, मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को यही चीज मिल जाएगा क्या, थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन। इसको मिटा देता हूं मैं, चलिए। अब क्या करेंगे, y को उधर भेज देते, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, वाई को उधर भेज दिए हम लोग ने, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या होगा एलसीएम ले लेते, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, एलसीएम ले लेते ना, टू एक्स माइनस फाइव, देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म कटेगा, ये वाला बचेगा एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, प्लस का साइन, इसको लिख देंगे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। आप देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, कटा ये कटा, ये बच गया ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलिए जल्दी बताइए, y का वैल्यू पुट कर देते हैं, y का वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ ऐसे दिए रहते हैं हम लोग, फिर प्लस यहाँ पे इसको लिख देते हैं, कितना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है हम लोग का, ये लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, फिर एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, यही चीज है, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, चलिए इस पहले इसका क्या कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव फाइव एक्स प्लस एट कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख देते हैं, क्या बचा उसको लिख देते हैं हम लोग टू एक्स माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, फिर क्या हम लोग का प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एट, ठीक है, जो बचा उसको मैंने लिख दिया, सब गलत तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, टू एक्स माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, फिर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, चलिए ठीक है, 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 2x के पावर कितना हो जाएगा 4, फिर इसको 2 को 7 से 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 14x स्क्वायर, फिर 2x को 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 5x को, ये क्या हो जाएगा 5x क्यूब, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस 7 5 जो कितना हो जाएगा 35x, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस फाइव को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा
45, फिर प्लस साइन, अब इधर आएंगे। चलिए इसको तो मैंने बता दिया कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको आप जल्दी से मल्टीप्लाई करें, वीडियो को पॉज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे कितने बच्चों को मल्टीप्लाई करने आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x के पावर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से, पहले उससे पहले प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा कितना आ गया 15x³, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3x² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हम लोग का कितना हो जाएगा x², फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस हो जाएगा 7x को x² 7x², फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस 7 को 5x है 35x। अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, 35x, फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। चलिए बहुत लंबा हो गया ना, बहुत लंबा हो गया, चलिए क्या करेंगे, आपके बुक में है तो करना तो पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखें 2x⁴ 3x⁴ कितना हो जाएगा 5x⁴, फिर अब पावर 3 वाले को लेंगे, देखिए 5x³ - 5x³ - 15x³ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस रहता है तो माइनस लिख के ऐड कर देते हैं 20x³। अब स्क्वायर वाला 14x² 24x² कितना होगा 8 हो गया, 38 में 7 ऐड करें कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45x². अब x वाला 18x है, आप फिर से देखें 35 माइनस माइनस है 70 हो जाएगा 70x हम लोग 18x माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 18x माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए मुझे 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 52x। अब क्या हो गया, अब कौन बचा हम लोग का x वाला, बिना x वाला ना, ये 56 है और ये कितना है हम लोग का 45 है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का प्लस, कितना आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा 11, माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस रहता तो माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा हम लोग का 11, तो देखिए हम लोग का क्या dy/dx क्वेश्चन नंबर 2 में भी इतना आया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या इतना आया था, हम लोग का सेम आंसर आया था। चलिए देखेंगे, मैं इसको मिला लेता हूं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा ना, आप लोगों ने बोला मुझे क्या हो गया सुनाई दे गया, क्योंकि ये दोनों क्या था माइनस माइनस था तो माइनस 70 आता ना, और ये प्लस 18, सॉल्व करने पे कितना था 52, लेकिन 70 बड़ा इसके पहले माइनस साइन थे, यहाँ पे माइनस साइन, छोटे छोटे चीज को ध्यान देने से आपका आंसर क्या होगा गलत नहीं होगा, कभी कभी हो जाते हैं ध्यान देंगे। तो ये था हमारा आंसर, हम लोग का तीनों का आंसर क्या सेम आया है, अगर सेम आया है तो हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो सकता है अगर कहीं गलती हो जाए तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सेम ऐसे ही करना है, कमेंट करने नहीं लग जाना है सर आपका आंसर गलत है, आपका आंसर गलत है, ठीक है इंसान से गलती हो जाती, अगर आपको जहाँ गलती देख के तो आप उन्हें क्या कर लेंगे सुधार लेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो खाली सर गलती हो गया करते हैं ना, ये नहीं कि सुधार ले, अरे मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना, आपको समझ में आ गया मेरा काम खत्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।